एक स्त्री जिसका अनुबंध है इज्जत से, मान से, मर्यादा से, घर से, परिवार से, समाज से। एक स्त्री जिसका संबंध है रूप से, सौंदर्य से, प्रेम से, प्रणय से। जी हाँ, एक स्त्री जिसका रिश्ता है पिता से, प्रेमी से, पति से, संतति से और सृष्टि से। एक स्त्री, जी हाँ एक स्त्री जिसका अस्तित्व है कोमलता में, सरलता में, लाज में, हया में, सहिष्णुता। एक स्त्री जिसका आभूषण है, एक स्त्री जिसका संसार है आभूषणों में, कविता में, अलंकारों में, शास्त्रों में, साहित्य में। सच में कितना सुखद है एक स्त्री को इन साहित्यिक मर्यादित उपमानों में बंध करके देखना, सुनना, जानना और पहचानना। सच में कितना सुखद है एक स्त्री को इन साहित्यिक मर्यादित उपमानों में बंध करके देखना, सुनना, जानना और पहचानना। पर जब यही स्त्री हो जाती है अपने प्रति सतर्क, अपने कार्यों के प्रति जागरूक, अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वाधीनता, अपनी मर्यादा के प्रति चैतन्य और अपने अधिकारों के प्रति मुखर। एक स्त्री जब हो जाती है अपने प्रति सतर्क, अपने कार्यों के प्रति जागरूक, अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वाधीनता, अपनी मर्यादा के प्रति चैतन्य और अपने अधिकारों के प्रति मुखर, तब यही स्त्री हो जाती है वाचाल। तब यही स्त्री हो जाती है वाचाल, कुल कलंक और अमर्यादित। कुल कलंक और अमर्यादित जब यही स्त्री होने लगती है अपने रूप, अपने सौंदर्य, अपने प्रेम, अपने समर्पण पर आनंदित, तब उसे कह दिया जाता है बेहया, बेशर्म और निर्लज। तब उसे कह दिया जाता है बेहया, बेशर्म और निर्लज। जब यही स्त्री होने लगती है अनुरक्त अपनी ही सृजित सृष्टि पर, जब यही स्त्री होने लगती है अनुरक्त अपनी ही सृजित सृष्टि पर, तब वह न पुत्री रहती है, न भगनी, न प्रेमिका, न संगनी, न पत्नी, न जननी। तब उसे दे दी जाती है कुलटा, व्यभिचारिणी, वैश्या, विद्रोहिणी की स्वघोषित मानव उपाधियां। तब उसे दे दी जाती है कुलटा, व्यभिचारिणी, वैश्या, विद्रोहिणी की स्वघोषित मानव उपाधियां। यही स्त्री जब अपने अस्तित्व के लिए होने लगती है सावधान और जागरूक, मुखर और लांघने लगती है तथाकथित दहनीजों को, और लांघने लगती है तथाकथित दहनीजों को, सीमाओं को पार करने लगती है आदम निर्मित तथाकथित हदों को, तो वह कर दी जाती है घोषित, पतित, पथभ्रष्ट, नगर वधु। यही स्त्री जब पहचानने लगती है साहित्यिक उपमाओं की निरर्थकता को, समझने लगती है उनके अजाने अचीने बंधनों को और गढ़ने लगती है उनके अपने ही उपमान, तब उसे कहा जाने लगता है उच्छृंखल, दम्भी और भी ना जाने क्या क्या। तब उसे कहा जाता है, कहा जाने लगता है उच्छृंखल, दम्भी और भी ना जाने क्या क्या। एक स्त्री को बांट दिया जाता है, एक स्त्री को बांट दिया जाता है धर्मों के, जातियों के, समुदायों के दायरों में, बांध दिया जाता है आस्थाओं के, विश्वासों के मकड़ जाल में उनकी उन्नति, उनकी प्रगति, उनकी आधुनिकता, उनका स्व, उनकी उन्नति, उनकी प्रगति, उनकी आधुनिकता, उनका स्वय, उनका अस्तित्व चढ़ जाता है भेंट, घूंघट, पर्दा और हिजाब के विवाद में। उनकी उन्नति, उनकी प्रगति, उनकी आधुनिकता, उनका स्वय और उनका अस्तित्व चढ़ जाता है भेंट, घूंघट, पर्दा और हिजाब के विवाद में। सच हम किस दृष्टि से देखते हैं स्त्री को, ये सब का अपना नजरिया है, लेकिन सच कौन, तो स्त्री सिर्फ स्त्री है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई विवाद का विषय नहीं है, वह निर्विवाद है और वह साकार है। बहुत बहुत।